स्वागत फ्रेंड आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोग को आधार से एक नई खबर बताने वाला हूँ। आप लॉकडाउन में आधार कार्ड का काम लगे अपडेट या फिर नाम चेंज तो कहाँ करवा सकते हैं, तो चलिए आप वीडियो को पूरा तक देखें और जानकारी लें। भारतीय नागरिक के इस समय आधार सबसे अहम डॉक्यूमेंट है। गवर्नमेंट सिलेंडर बुक करने से बैंक में अकाउंट खुलवाने तक हमें आधार की आवश्यकता होती है। ऐसे में अगर आधार कार्ड में एक भी जानकारी गलत हो तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। आपको बता दें, अगर आपके आधार कार्ड में एड्रेस ज़्यादा अपडेट करना हो तो अब आप कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC प्रज्ञा केंद्र पर जाकर भी आधार अपडेट करा सकते हैं। 20,000 कॉमन सर्विस सेंटर को मिली मंजूरी। UIDAI ने करीब 20,000 कॉमन सर्विस सेंटर को आधार अपडेट करने की मंजूरी दी है। इन सभी सेंटर पर आधार अपडेट का सिस्टम तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा UIDAI ने यह भी बताया कि CSC पर डेमोग्राफिक डेटा भी अपडेट कराया जा सकता है, यानी आधार कार्ड अपडेट के लिए आधार होल्डर की पहचान, उंगलियों के निशान और आँख की पुतली से की जाएगी। घर का पता एड्रेस भी करा सकेंगे अपडेट। अपने आधार का एड्रेस भी आप यहाँ बदलवा सकेंगे और साथ ही किसी बच्चे को बायोमेट्रिक विवरण भी यहाँ अपडेट करा पाएंगे। UIDAI का कहना है कि जून के आखिर तक लोग इस सिस्टम का फायदा ले पाएंगे। अभी इस पर काम चल रहा है। देश भर में 2.74 लाख से अधिक सेंटर काम कर रहे हैं और इन सभी का फोकस देश के ग्रामीण इलाकों पर है। CSC अथवा प्रज्ञा केंद्र के अलावा कहाँ करा सकते हैं आधार अपडेट? CSC के अलावा बैंक के शाखाओं, पोस्ट ऑफिस और सरकारी प्रांगण में UIDAI की मान्यता प्राप्त सेंटर पर आधार से जुड़ी सेवाएं का लाभ उठाया जा सकता है। लॉकडाउन में ऐसे ही जानकारी और न्यूज के लिए और कोरोना से रिलेटेड अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और प्रेस करते बेल आइकन को और इस वीडियो को शेयर करते।